हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिल्की शेंडे फ्रॉम माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल परसवाड़ा। टुडे वी लर्न अबाउट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने आपको नंबर्स पढ़ाए थे, बट वो 71 से लेके 80 तक के थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको 81 से लेके 90 तक के कुछ नंबर्स सिखाएंगे, उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, उनकी स्पेलिंग और उन्हें कैसे लिखा जाता है। ओके, देन आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग हम उसे फिलअप करना भी आपको बताएंगे। सो आप मेरे वीडियो को देखिए और 81 से लेकर 90 तक के नंबर्स सीखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो 80 के बाद में क्या आता है बच्चों? 81 आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला हमारा नंबर आता है 81। सो हम यहाँ पे राइट करते हैं 81। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हमने राइट किया है? 81। ओके, सो 81 की स्पेलिंग है EIGHTYONE, 81। ओके स्टूडेंट्स, सो 81 को हम हिंदी में कहते हैं 81। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने 81 लिखा। 81 की स्पेलिंग है EIGHTYONE, 81। 81 को हम हिंदी में कहते हैं 81। ओके, 81 के बाद में आता है हमारा 82। सो उसे हम क्या कहते हैं? 82 कहते हैं। ओके, देन 82 की स्पेलिंग है EIGHTYTWO। ओके स्टूडेंट्स, सो 81 के बाद में आता है 82। 82 हमने राइट किया। 82 की स्पेलिंग है EIGHTYTOW2, 82। 82 को हम हिंदी में कहते हैं 82। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? 82 कहते हैं। 82 के बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 83। सो हमने राइट किया 83। ओके, देन 83 की स्पेलिंग देखिए EIGHTYTHREE, 83। ओके स्टूडेंट्स, सो 83 को हम कहते हैं 83। ओके, 83 को हम क्या कहते हैं? 83 कहते हैं। सो हमने ये 83 राइट किया। 83 की स्पेलिंग है EIGHTYTHREE, 83। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 83 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलता है? 84। ओके, सो 84 की स्पेलिंग है EIGHTYFOUR, 4। ओके, सो ये 84, 84 को हम हिंदी में कहते हैं 84। ओके स्टूडेंट्स, 84 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। उसके बाद में देखिए, ये हमने 84 लिखा है। 84 की स्पेलिंग है EIGHTYFOUR, 4। 84, 84 को हम हिंदी में कहते हैं 84। 84 के बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 85। 85 की स्पेलिंग है EIGHTYFIVE, 5। ओके स्टूडेंट्स, सो 85 को हम हिंदी में कहते हैं 85। ओके, सो अब देखते हैं 85 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलता है? 85 के बाद में हमें मिलता है 86। सो हम यहाँ पे राइट करते हैं 86। 86 की स्पेलिंग है EIGHTYTWO,
SIX, ओके, सो 86, 86 को हम हिंदी में कहते हैं 86, ओके एवरीवन, देन 86 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलता है, 87, 87 की स्पेलिंग है EIGHTYSEVEN, 87, 87 को हम हिंदी में कहते हैं 87, ओके स्टूडेंट्स, सो 87 ये हमने राइट किया, 87 की स्पेलिंग है EIGHTYSEVEN 7, 87 को हम हिंदी में कहते हैं 87, 87 के बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर है 88, सो 88 की स्पेलिंग है EIGHTY EIGHT, ओके स्टूडेंट, सो 88 को हम हिंदी में कहते हैं 88, ओके स्टूडेंट्स, सो 88 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, 88 कहते हैं, सो ये हमने 88 राइट किया है, 88 की स्पेलिंग है EIGHTY EIGHT, 88 को हम हिंदी में कहते हैं 88, 88 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 89, सो 89 की स्पेलिंग है EIGHTYNINE, ओके, 89 को हम हिंदी में कहते हैं 89, ओके स्टूडेंट्स, सो क्या कहते हैं, 89 को हम हिंदी में 89 कहते हैं, अब देखिए हमने ये 89 लिखा है, 89 की स्पेलिंग है EIGHTY NINE, 89 को हम हिंदी में कहते हैं 89, अब देखते हैं कि 89 के बाद में क्या लिखते हैं, सो 90, सो 90 की स्पेलिंग है NINETY, 90, ओके स्टूडेंट्स, सो 90 को हम हिंदी में 90 कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग कैसे फिलअप करना है वो बताते हैं, ओके, सो 81 से लेकर 90 तक के हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आपकी नोटबुक के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से फिलअप करना है, और मुझे आप वो राइट करके अपनी नोटबुक में मुझे सेंड करिएगा, ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है हमने, वेरी गुड, 81, ओके, सो हम 81 को कैसे लिखेंगे, A tens 1 1, ओके स्टूडेंट्स, कैसे लिखे हमने 81 को, A tens 1 1, वैसे ही 82 लिखेंगे, 82 को भी हम 81 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 8 tens 2 1, ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि 82 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर 83 मिलेगा, 83 को भी हम 82 के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, 8 tens 3 1, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 83 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलता है, सो 83 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 84, ओके, सो हम यहाँ पे 84 राइट करेंगे, ये हमने 84 राइट किया है, ओके, देन 84 को भी हम 83 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 8 tens 4 1, ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि 84 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलता है, सो 84 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 85, ओके, सो 85 को भी हम
384 के अकॉर्डिंग लिखेंगे. ओके सो हमने यहाँ पे 85 राइट किया है, 85 को हम 84 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट 4 की जगह 5 लिखेंगे. ओके देन ये हमारे यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है. अब 85 के बाद में 86 आता है, सो ये हमने 86 लिखा है. ओके सो 86 को भी हम 85 के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, 8 10 6 1. ओके स्टूडेंट्स ये हमने 85 के अकॉर्डिंग 86 को लिख दिया. अब 86 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर 87 मिलता है, सो हम 86 के जैसे ही उसे लिखेंगे. ओके बट 87 को हम 8 10s, देन 6 की जगह 7 1. ओके स्टूडेंट्स देन 87 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है 88, सो हमने यहाँ पे 88 राइट कर दिया. ओके देन 88 को भी हम 87 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 8 10s, बट 7 की जगह 8 1. ओके देन 88 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर 89 मिलता है, सो हम 89 को लिखेंगे यहाँ, 89 को भी हम 88 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सो 8 10s 9 1. ओके स्टूडेंट्स देन 89 के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा, 90. ओके देन 90 के बाद में हम कैसे लिखेंगे, 9 10s 0 1. ओके स्टूडेंट्स तो हमने आपको यहाँ पे 81 से लेकर 90 तक के आपके नोटबुक के अकॉर्डिंग कैसे उसे फिलअप करना है, कैसे उसे राइट करना है वो बता दिया है. अब हम आपको होमवर्क बताते हैं. ओके सो एवरीवन हम आपको दो पोर्शन में होमवर्क देते हैं. ओके सो हमने यहाँ पे पहले ए पोर्शन डाल दिया, देन यहाँ पे बी पोर्शन डाल दिया एंड बी से लाइन कर दिया. ओके स्टूडेंट्स अब हम आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 8 10s 3 1. ओके देन सेकेंड है हमारा 8 10s 5 1. ओके देन थर्ड है 8 10s 9 1. ओके स्टूडेंट्स ये आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में. देन 82 थर्ड है 86 एंड सॉरी थर्ड है 90. ओके स्टूडेंट्स सो आपको ए वाले पोर्शन को बी वाले पोर्शन के जैसे और बी वाले पोर्शन को ए वाले पोर्शन के जैसे आपको मुझे कंप्लीट करके नोटबुक में सेंड नोटबुक में कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है. ओके स्टूडेंट्स सो थैंक यू एंड बाय. ओके एंड टेक केयर.